फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ पुलिस आज एकाएक ही सोते से जाग गई और उसने पुलिस हिरासत से फरार 2.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उसके पंजाबीपुरा स्थित घर के आसपास बकायदा मुनादी कराई गई और फिर संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। माना जा रहा है कि यूपी की योगी सरकार द्वारा कुख्यात बदमाशों पर नकेल कसे जाने की कवायद के चलते ऐसा हो रहा है, लेकिन सच इससे इतर है। दरअसल उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका ने मेरठ पुलिस को इसके लिए मजबूर कर दिया है। इस जनहित याचिका को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने अभी तक फरार बदन सिंह बद्दो के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने यूपी पुलिस व प्रदेश के प्रमुख सचिव से पूछा है कि अभी तक बद्दो के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है। 23 नवंबर को यूपी पुलिस व प्रमुख सचिव को अभी तक की गई कार्यवाही की जानकारी अदालत को देनी है। समझा जा सकता है कि फजीयत से बचने के लिए आज बदन सिंह बद्दो के उस पुराने घर पर कार्रवाई की गई जिसे वह काफी समय से दूर है। वह बराबर सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए यूपी पुलिस को खुला चैलेंज देता नजर आता है। कुख्यात बदन सिंह बद्दो पिछले साल 28 मार्च को मेरठ के मुकुट महल से उस वक्त फरार हो गया था जब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर जिले में पुलिस की काफी सतर्कता बताई जा रही थी, लेकिन बद्दो इस सतर्कता को धत्ता बताते हुए फरार हो गया था। दरअसल जिस तरह का इतिहास गवाह है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बदन सिंह बद्दो यूपी पुलिस को अपनी उंगलियों पर बराबर नचाता रहा है। एक पेशी पर वह गाजियाबाद आया था, पेशी के बाद सीधे जेल न जाकर वह पुलिस को मेरठ मुकुट महल ले आया। यहां उसे सभी पुलिस कर्मियों को नशे में धुत कर दिया और फरार हो गया। बदन की फरारी में सहयोग के लिए पुलिस कर्मियों को निलंबित व गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री लल्लू मक्कड़, सोनू सहगल, डिपिन सूरी, भानु प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। गंभीर बात यह भी है कि कुछ समय पूर्व इन लोगों से एसटीएफ ने एक बार फिर से उठाकर पूछताछ की, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। मेरठ का एक पप्पू बकायदा बदन सिंह बद्दो की प्रॉपर्टी की देखभाल करता आ रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उस पर शिकंजा नहीं कसा है। इस बारे में जनहित याचिका दायर करने वाले अभिषेक सोम ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो, जो पुलिस की अभिरक्षा से छूटकर भाग गया था, कहीं ना कहीं उसमें पुलिस की ढीला रवैया है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उसको लेके एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसको स्वीकार किया गया। उत्तर प्रदेश के CGI ने उस पर विशेष रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह से जवाब तलब किया कि एक इतना बड़ा कुख्यात अपराधी जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो लगातार लोगों को धमकी दे रहा है और अभी तक वो फरार है, अभी तक उस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, इसी को लेके जहां उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश को हम अपराध मुक्त कर देंगे, अपराधी मुक्त कर देंगे, दूसरा बदन सिंह बद्दो पर इतना रियायत क्यों, उसकी जो अवैध संपत्ति है उस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको अपने कब्जे में नहीं लिया है, उसको लेके कोई ऐसा विशेष अभियान नहीं चलाया, तो इसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार पर CGI ने नाराज़गी व्यक्त की है और उस पर उनको फटकार भी लगाई है। अगली तारीख 23 नवंबर को है जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया, उनसे कहा है कि आप इसमें स्पष्ट रूप से बताइए कि बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी कब तक मुकर्रर हो पाएगी। तो अब देखना होगा कि आने वाले 23 नवंबर को क्या होता है और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें क्या जवाब दाखिल करती है। आज सुबह बदन सिंह बद्दो के पंजाबीपुरा इलाके में पुलिस ने बकायदा मुनादी कराई और कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।